वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन आरसीआई एजुकेशन हब बांसूर। इन प्रीवियस क्लासेज वी स्टडी अबाउट फिनोल फॉर्मेशन मेथड्स दैट इज कंटिन्यू। इन फर्स्ट वी सी द लेबोरेटरी मेथड्स इन प्रीवियस क्लास दैट इज फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट एंड आल्सो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। नाउ थर्ड रिएक्शन इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से किसका फॉर्मेशन करना है? फिनोल का फॉर्मेशन करना है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर लिखना है। यू विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होता है वो इस टाइप से है। केमिकल रिएक्शन आप देखिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से किसका फॉर्मेशन करना है आपको? SO3H डैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इससे आपको फॉर्मेशन करना है किसका? फिनोल का फॉर्मेशन करना है। तो केमिकल रिएक्शन तो आपको मिल चुका है, डैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डैट इज योर प्रोडक्ट फिनोल का फॉर्मेशन। ओके, अब यहाँ पर देखिए रेजेंट क्या क्या यूज करते हैं। फर्स्ट जो आपको रेजेंट दे रखा है, फर्स्ट ऑफ अगर बात करें तो अपन सबसे पहले क्या करें, बेंजीन से आप सल्फोनिक एसिड भी बना सकते हैं। डैट मीन्स बेंजीन से सल्फोनिक एसिड भी डायरेक्टली बना सकते हैं। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ओलियम H2S2O7। सल्फ्यूरिक एसिड के 2 moles को अगर अपन कॉम्बिनेशन करा दें तो अपने पास फॉर्मेशन होता है ओलियम का, डैट इज कॉल्स ओलियम। ओलियम जो होता है ये केमिकल रिएक्शन किससे कर रहा है? बेंजीन से केमिकल रिएक्शन के थ्रू किसका फॉर्मेशन कर रहा है? डैट विल बी गिव यू इन वन स्टेप, डैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है ये वाला अपना हो गया यहाँ पर क्या, रिएजेंट। ये अपने पास में रिएक्टेंट है। अब इस वाले से किसका फॉर्मेशन करना है आपको? फिनोल का फॉर्मेशन करना है। फिनोल का फॉर्मेशन का मेन मेथड आपको मैंने पहले भी बताया था, डैट इज ऑलरेडी यूज बेस। क्या यूज करना है? क्योंकि इट हैव OH ग्रुप, तो आपको रिएक्टेंट रेजेंट वो यूज करना है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो बेस आपको स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH उसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सेकंड वाले पार्ट में वापस NaOH जो होगा इसके अंदर क्या रहेगा, एक्सिस में लेना है। एक्सिस का मतलब है 1 mole यूज नहीं करना, 2-3 moles विल बी यूज इन दिस रिएक्शन। एक्सिस का मीन है ये। उसके बाद में आपको यूज करना है HCl मीडियम। इसको यूज करना है एसिडिफिकेशन करवाना है। क्या करवाना है? एसिडिफिकेशन कराना है। जस्ट लाइक रिएक्शन सेम रहेगा जो अपन ने क्लोरोबेंजीन के अंदर स्टडी किया था, सेम रिएक्शन आप यहां पर देख सकते हैं। दैट विल बी यू विल बी सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी द प्रोसेस। देखिए प्रोसेस क्या रहेगा इन दिस पार्ट, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म कह सकते हो। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में अगर बात करें, इस प्रोसेस की बात करें, स्टेप फर्स्ट में यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ओलियम, रिएक्ट ऑन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फर्स्ट स्टेप में बेंजीन से किसका फॉर्मेशन हो गया? ओलियम की प्रेजेंस में फॉर्मेशन हो गया सल्फोनिक एसिड का। ओके, स्टेप नंबर 2। इन स्टेप नंबर 2 नाउ फ्रॉम इट दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है ये? बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इससे आपको फॉर्मेशन करना है किसका? फिनोल का फॉर्मेशन। ओके, तो हाउ विल बी इट कम, आई एम राइटिंग ऑन अपसाइड। स्टेप नंबर 2 डैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद NaOH। किससे रिएक्शन कर रहा है?
NaOH से रिएक्शन कर रहा है इस वाले पार्ट में, यहाँ से ये वाला पार्ट ब्रेक होके बाहर क्या निकल जाएगा भाई, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल एंड Na प्लस इज कम विद NaOH एंड फॉर्मेशन ऑफ SO3 Na प्लस SO3 Na+, that is SO3 Na+ is called sodium benzene sulfonate. Sodium benzene sulfonate intermediate इसमें बन जाते हैं. Next step. इन नेक्स्ट स्टेप यू विल बी सी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो होता है इसका वापस ब्रेक होता है. अभी आपने देखा एक्सिस में अल्कोहल लिया था, अल्कोहल को एक्सिस में यूज किया है, सो अगेन अल्कोहल विल बी यूज हियर विद ए सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. देयर विल बी यूज ऑफ 2 moles of NaOH and this will be form sodium phenoxide ion O-Na+, sodium phenoxide ion and also sodium sulfonate Na2SO3 and also formation of H2O. So there will be formation of, किसका formation हो गया यहाँ पर, there will be formation of Na+ और that is Na+ is a sodium phenoxide ion. क्या बनेगा, sodium phenoxide का formation हो चुका है in this part because we use 2 mole of NaOH और in this part you can see 1 mole from 2 Na2 और SO3 ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, Na2SO3 यहाँ निकल चुका है. इस वाले पार्ट में क्या बचा है अपने पास में, ये वाला जो पार्ट था इसमें से ये H यहाँ से ब्रेक होता है, O नेगेटिव वाला जो पार्ट था ये यहाँ पर जुड़ता है, यानी O-Na के रूप में ये पार्ट एडिशन हो गया, सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है. डैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन कर चुके हैं. इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी इट, you can see it in next step, that is step number 4 that is given these type, that is O-Na+ in the presence of HCl it will be form breakdown here HOH, that is OH plus NaCl, that is called phenol. So there will be formation of product that is a phenol, that is a major product. So this reaction is very long and this reaction is very useful from benzene to formation of sodium phenoxide ion and from sodium phenoxide ion to formation of a phenol. So in this method we see that there will be formation of phenol from sodium phenoxide ion as intermediate. So easily you can draw, again you can see in this reaction, first of all we take benzene reaction with oleum and formation of benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid is react with base NaOH and formation of sodium benzene sulfonate ion. Sodium benzene sulfonate ion is react again with NaOH and formation of sodium phenoxide ion. Sodium phenoxide ion is again react with HCl and formation of phenol as a major product. So in this video we see the third method of formation of phenol from benzene sulfonic acid. In next we study about next formation laboratory methods. Okay, thank you.